नमस्ते, हेल्दी एंड टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पाटी स्टाइल टमाटर की चटनी। पाटी स्टाइल टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने लिया 100 ग्राम टमाटर, जिसे रफली चॉप कर लिए, 8 से 10 खजूर बीच निकाल के इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए, 1 कमावट इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए, 1 कप चीनी, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा पाउडर फोड़न। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने गरम कर लिया, इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल अच्छे से गर्म हो चुकी, अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 तेज पत्ता, 1/2 टेबल स्पून लाल हो गया, अब इसमें ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लें और 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। पाँच मिनट हो गई, अब टमाटर चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इसे थोड़ा चलाएंगे। मैश करते जाएंगे। टमाटर अच्छे से पक गए, अब इसमें ऐड करेंगे खजूर। खजूर को अच्छा से मिला लेंगे। इसमें ऐड करेंगे अमावट को भी अच्छे से मिला लेंगे। ऐड करेंगे चीनी। चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे। दो मिनट हो चुकी है, अब चेक करते हैं टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी अच्छे से पक के रेडी हो गई। गैस को ऑफ कर दें। पाटी स्टाइल टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई, अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल दें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किए। टमाटर की चटनी बनके तैयार है, आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई।
क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।